फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू माई चैनल चटोरी रजनी। और आज चटोरी रजनी आई है डिनर करने कुछ डिफरेंट आप सबके लिए, क्योंकि आपको कुछ अलग चाहिए होता है। तो मैं आई हूँ हुमायूनपुर सफदरजंग साउथ दिल्ली में। यहाँ हम आए हैं भान सागर। तो हम खाने आए हैं नेपाली थाली। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है हमारी आज की नेपाली थाली। भान सागर एक नेपाली रेस्टोरेंट है। इसका मतलब होता है इन इंग्लिश डाइनिंग रूम, जब आप ट्रांसलेट करते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा, क्यूट सा, सिंपल सा, छोटा सा ये एक आउटलेट है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल सीटिंग है और एक इनका बेसमेंट में भी सीटिंग है इतनी ही टेबल्स के साथ। देखिए कितना प्यारा सा और सिंपल सा इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया सी पेंटिंग्स है। जो मुझे बहुत पसंद आई थी, ये इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी हैं, लोकल लोग जो नेपाल के और असम के उस साइड के, उनकी फ़ोटोज़ खींच के ये देखिए इस तरीके से इन्होंने लगा के कैफ़े को बेहद प्यारा बना रखा है। सो अब चलते हैं, हम देखते हैं हमारा खाना होता है कैसे। सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया था एक सूप सिमिलर टू थुक्पा। अब थुक्पा और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम बेस एक ही है, पर इसमें ये फ़र्क है कि सब्जियां जो है बड़ी बड़ी हैं। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये एक पास्ता है, हैंडमेड पास्ता। पास्ता बोलते लेकिन ये मैदे का नूडल ही है, मोटा सा जो बनाया हुआ है। थुक्पा में नूडल्स होते हैं और इसमें चौड़ा चौड़ा, ये बेहद फ्लेवरफुल और यमी था, मज़ा आ गया इसे खा के। और नेक्स्ट हमने स्टार्टर्स में ऑर्डर किया था एक मोमो प्लेटर, जिसमें चार तरह के फ्लेवर्स होते हैं। वेजिटेरियन मोमोज ही हमने ऑर्डर किए हैं। तो जो पहला वाला है ये स्टीम मोमो है, जिसके ऊपर तिल की चटनी तीखी वाली डाली हुई है। और सेकंड है नॉर्मल स्टीम मोमोज, तीसरा है फ्राइड मोमोज, और लास्ट में है हनी चिली पोटैटो है, बस उसी तरीके से हनी चिली यू नो मोमोज। दिखाती हूँ मैं कि कैसा होता है। सबसे पहले फ्राइड खाने का मन है, ऊपर से बेहद क्रंची और अंदर से बिल्कुल फ्रेश सब्जियों से भरा हुआ, जिसे खा के बेहद मज़ा आ गया मुझे। वैसे मुझे फ्राइड मोमोज नहीं पसंद, पर ये बहुत टेस्टी थे। देख पा रहे हैं आप, कहाँ से देखेंगे, मैं तो बिज़ी हो गई हूँ खाने में और डांट पड़ रही है, तुम दिखा तो रही नहीं और फटाफट खा रही हो, कर रही हूँ चटोरी जो हूँ। इसके साथ सर्व किए गए थे तीन तरह के डिप, तिल की चटनी, ये ऑयल और एक टमाटर। तो ये जो येलो सी चटनी है, ये है तीखी तीखी तिल की चटनी और टमाटर की बहुत ही फ्लेवरफुल पर नॉर्मल तीखी चटनी। और लास्ट में जो था रेड चिली ऑयल, यानी लाल मिर्च को कूट के उनको तेल में करा जाता है, मज़ेदार। और अब आ गई है हमारी थाली, जिसमें है तिल की चटनी, मूली की सब्ज़ी, राई का साग, दही, दाल और आलू बीन्स की फ्लेवरफुल सब्ज़ी, चावल है, पापड़ है, और पापड़ के नीचे निकल रहा है सैलेड और एक टुकड़ा फ्राइड पोटैटो का, जो बहुत ही यमी सा दिख रहा है मुझे। वाह, मेरा तो मन चल रहा है आलू को खाने में। अच्छा लग रहा है, ठंडा है पर लेकिन अच्छा लग रहा है वहाँ के उस हिसाब से। तीखी चटनी के साथ बहुत तीखी थी, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई खाने की। अब टेस्ट करते हैं कि दाल कैसी है। सच्ची बोलूं, बहुत ही अमेजिंग थाली थी। मैंने पेमास पे भी खाया है, जो ठीक पीछे है इनके, वहाँ की नेपाली थाली भी बहुत टेस्टी है। रोटी नहीं थी इनकी थाली में, शायद होती नहीं है, और आलू की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी थी। सो मुझे तो है ना, जब तक हाथ से मिला के चावल ना खाए ना, स्वाद नहीं आता है। क्या आप भी यही मानते हैं या फिर फोक एंड स्पून से खाते हैं? मुझे बिल्कुल भी कोई एम्बैरेसिंग नहीं लगता है, कहे मैं रेस्टोरेंट में हूँ कहाँ पे, अगर चावल को दाल या सब्जी के साथ मिला के हाथ से खाऊं तो। ये है देसी स्टाइल, मुझे लगता है इससे बेहद भरपूर फ्लेवर आता है। थाली बहुत ही टेस्टी थी। राय का साग, क्योंकि राय का थोड़ा सा कड़वा होता है, और मूली में तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा था कि मूली खा रहे, बेहद टेस्टी थी हमारी ये थाली। और अगला आप देख रहे, और ये हमने ऑर्डर किए थे आलू चीज़ मोमोज, जो वो पहले हमें गलती से कुछ और दे गए थे। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, गर्मा गर्म, फ्रेश, मैं हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे इसे तोड़ूँ और आपको दिखाऊँ। आपको सुन के लगेगा आलू मोमोज, पर लेट मी टेल यू, ये सबसे बेस्ट मोमोज थे और सबसे बेस्ट डिश थी आज की, ज़रूर खाएँ इसे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमें ज्वाइन करने के लिए। बेहद यमी था मेरा डिनर, एंड सबसे ज़्यादा और यादगार डिश आज की थी, जो मैं पैक करा के भी लाई हूँ, आलू मो एंड चीज़ मोमोज।
मैंने पहले कभी नहीं खाए, मैंने पहली बार खाए एंड दे वर यम्मी यम्मी यम्मी। सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है खाना आने में, तब तक आप खेल सकते हैं लूडो और ऊनो। सो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।